नमस्कार दोस्तों, सभी जीडीएस भाई बहनों को कल यानी 14 तारीख से जो जीडीएस के मांगों को लेकर इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक होने वाली है, मतलब जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होने वाली है, उसके बारे में पता ही होगा। आज जीडीएस यूनियन ने एक नोटिस जारी किया है और उसमें स्ट्राइक के बारे में कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि क्या कुछ करना है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, देखते हैं क्या कुछ है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आज मतलब 13 नवंबर को ही नोटिस इशू हुआ है और इसको AIGDSU और NUGDS ने इशू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कल से होने वाले भूख हड़ताल के बारे में है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि ये दिल्ली में राजघाट में प्रदर्शन किया जाएगा और सभी न्यूज़ चैनल के मीडिया को भी वहाँ पर बुलाया गया है। दिल्ली के राजघाट में सारे यूनियन लीडर्स और GDS स्टाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में भाग लेंगे और GDS की मांगों को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस इस पर नहीं दिया गया है, जिसके कारण AIGDSU यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं SS महादेवैया, वो खुश नहीं है। साथ ही साथ सभी ग्रामीण डाक सेवक भी डिपार्टमेंट के रवैये से नाराज़ हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो भी वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको अपडेट देता हूँ उस पर व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब उतने नहीं आ पाते हैं। तो अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। और इसमें बताया गया है कि पूरे देश में लगभग 200 ग्रामीण डाक सेवक इस भूख हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं और इसकी संख्या आगे चलकर बढ़ भी सकती है। SS महादेवैया ने इसकी जानकारी दी है और इन्होंने ये भी बोला है 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक का भी समर्थन देश के कोने कोने से मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से समर्थन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कल से देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम आता है, डिपार्टमेंट क्या डिसीजन लेती है। वैसे मैं सभी अपडेट्स आपको देता रहूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।